इस मूवी की शुरुआत में हम क्लिन बार्टन को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ होता है, लेकिन अगले पल ही उसकी पूरी फैमिली गायब हो जाती है। पहले तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और बाद में जब उसे सच पता लगता है तो उसे थैनोस पर बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद हम स्पेस में टोनी स्टार्क और नेब्यूला को देखते हैं, जो टाइटन प्लैनेट से अब अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। टोनी स्टार्क की कंडीशन खराब होती जा रही थी क्योंकि उन लोगों का फूड और वाटर लगभग खत्म हो चुका था, इसीलिए टोनी बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर बहुत ही तेज लाइटिंग होती है और वहां कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल आ जाती हैं, जो कि उनके स्पेस शिप को लेकर अर्थ पर आ जाती हैं। बाद में ये सब बाकी अवेंजर्स के पास जाते हैं। कैप्टन मार्वल बाकी अवेंजर्स को मशवरा देती हैं कि हमें थैनोस की सर्च करके उससे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लेना होगा, ताकि हम उन सब लोगों को वापस ला सकें जो कि थैनोस की चुटकी बजाने से गायब हो गए थे। सभी अवेंजर्स को कैरल डैनवर्स का ये आइडिया काफी पसंद आता है, जिस वजह से वो उस प्लैनेट पर आ जाते हैं जहां पर थैनोस होता है। ये सब अवेंजर्स थैनोस को चारों तरफ से घेरकर उसे पकड़ लेते हैं और वो उससे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर थैनोस उन्हें बताता है कि उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को उन्हीं की पावर्स से डिस्ट्रॉय कर दिया है, ताकि कोई भी शख्स इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स से कुछ भी पहले जैसा न कर पाए। ये सुनकर थोर उस पर अटैक कर उसे मार देता है। थैनोस की बात सुनकर इनके अंदर जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाती है और ये सब वापस से अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं। हम एक वैन को देखते हैं जिस पर एक डिवाइस लगा होता है, उस डिवाइस को रैट ऑन कर देता है, जिससे उसके अंदर से स्कॉटलैंड यानी एंटमैन बाहर निकलता है। एंटमैन क्वांटम रियाम नाम के डायमेंशन में 5 सालों से था, लेकिन स्कॉट को ये फील हो रहा होता है कि वो बस क्वांटम रियाम में सिर्फ 5 घंटे से ही था। खैर, वहाँ से निकलकर एंटमैन अपने बाकी दोस्तों से मिलता है। वो सब स्कॉट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। स्कॉट उन्हें बताता है कि वो 5 साल से एक दूसरे डायमेंशन यानी क्वांटम रियाम में था, लेकिन अजीब बात है, इतने टाइम वहाँ रहने के बाद भी उसे बस यही फील हो रहा था कि वो बस वहाँ 5 घंटे से था। एंटमैन उन्हें मशवरा देता है कि अगर हम सब क्वांटम वर्ल्ड की ताकत को समझकर उसका अच्छे से यूज कर पाएं, तो हम टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में जा सकते हैं जब थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज कर चुटकी बजाने वाला था। एंटमैन के आइडिया से इन्हें वापस से एक होप नजर आती है, जिसके बाद ये टोनी स्टार्क के पास जाते हैं और जब वो उसे पूरी बात बताते हैं तो टोनी स्टार्क टाइम मशीन बनाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे ये एहसास हो रहा था कि अगर टाइम में कोई गड़बड़ हो गई तो वो अपनी बीवी और बच्ची को हमेशा के लिए खो देगा। इसके बाद ये सब हल्क यानी ब्रूस बैनर के पास जाते हैं। ब्रूस ने हल्क की पावर्स और अपने दिमाग को मर्ज कर लिया होता है, जिस वजह से वो बन गया था प्रोफेसर हल्क। उन लोगों की बात सुनकर हल्क टाइम मशीन बनाने के लिए रेडी हो जाता है। बाद में हल्क काफी कोशिशों के बाद उस डिवाइस को बना लेता है, जिससे होकर ये सब पास्ट में जा सकते थे, लेकिन वो डिवाइस अभी भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही होती है। इधर हम वापस से टोनी को देखते हैं, जिसे पीटर पार्कर की तस्वीर नजर आती है। उस फोटोग्राफ को देखकर टोनी स्टार्क अपना इरादा बदलकर उन लोगों की हेल्प करने को रेडी हो जाता है और वो काफी कोशिशों के बाद उस डिवाइस को बना लेता है, जिससे ये सब होकर पास्ट में जा सकते थे। जिसके बाद टोनी उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर बाकी एवेंजर्स होते हैं, और साथ ही टोनी कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी उन्हें वापस कर देता है। बाद में ब्लैक विडो क्लिन बार्टन को वापस से ले आती है। इधर हल्क और रॉकेट नॉर्वे में नए एसगार्ड में थोर को वापस लाने जाते हैं और वो उसे काफी समझाकर वापस ले आते हैं, जिसके बाद ये सब अलग अलग टाइम में जाते हैं। कैप्टन अमेरिका, हल्क, टोनी और स्कॉट 2012 के न्यूयॉर्क सिटी में जाते हैं। हल्क वहां से सैंक्टम में जाता है,
जहां पर वो टाइम स्टोन लेने जाता है। टाइम स्टोन उस वक्त एंशिएंट वन के पास होता है। एंशिएंट वन हल्क को बताती है कि अगर किसी भी स्टोन को उसके वक्त से हटाया गया तो उससे मल्टीपल टाइम लाइन्स बन जाएगी, जिस पर हल्क उन्हें बताता है कि वो टाइम स्टोन का यूज करने के बाद उसे उसकी जगह में वापस रख देंगे, जिससे वो नई टाइम लाइन खत्म हो जाएगी। लेकिन एंशिएंट वन हल्क की अभी भी कोई बात नहीं मानती है। हल्क उन्हें काफी समझाता है, जिसके बाद फाइनली हल्क को टाइम स्टोन मिल जाता है। इधर टोनी और स्कॉट स्पेस स्टोन को हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो स्टोन उनसे गिर जाता है और उस इन्फिनिटी स्टोन को लेकर लोकी वहां से निकल जाता है। इधर कैप्टन अमेरिका 2012 वाले कैप्टन से लड़कर माइंड स्टोन को हासिल कर लेते हैं। टोनी उन्हें बताता है कि उससे स्पेस स्टोन गुम गया है। ये सुनकर कैप्टन और टोनी टाइम ट्रैवल करके वक्त में और पीछे जाते हैं। उस टाइम में स्पेस स्टोन हावर्ड स्टार्क यानी टोनी स्टार्क के डैड के पास होता है। टोनी जल्द ही स्पेस स्टोन को हासिल कर लेता है और साथ ही स्टीव भी वहां से पिम पार्टिकल्स को ले लेता है। इधर थोर और रॉकेट 2013 में जाते हैं, जहां से वो इथर को हासिल कर लेते हैं और साथ ही थोर वहां से अपना हैमर भी ले लेता है। इधर नताशा और हॉकाई वोरमिर नाम के प्लैनेट पर जाते हैं। वहां पर नताशा अपनी कुर्बानी देती है, जिससे सोल स्टोन हॉकाई को मिल जाता है। रोडी और नेब्यूला मोराग नाम के प्लैनेट पर जाते हैं और वहां वो पीटर क्विल को बेहोश कर उससे पहले ही पावर स्टोन को हासिल कर लेते हैं। रोडी वहां से निकल जाता है, लेकिन जब नेब्यूला जाने वाली होती है तभी उसके सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और फ्यूचर वाली नेब्यूला का माइंड पास्ट वाली नेब्यूला से कनेक्ट हो जाता है, जिसके चलते जब थैनोस उसका माइंड स्कैन करता है तो उसे सब कुछ पता लग जाता है। फ्यूचर वाली नेब्यूला का दिमाग पास्ट वाली नेब्यूला से इसी वजह से कनेक्ट हो गया होता है, क्योंकि नेब्यूला एक ह्यूमनॉइड होती है। इधर हम सब एवेंजर्स को देखते हैं, जो कि टोनी स्टार्क के बनाए हुए गाउंटलेट में सारे स्टोन्स को लगा देते हैं और बाद में उस गाउंटलेट को हल्क पहन लेता है, जिस वजह से हल्क की कंडीशन काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो चुटकी बजा देता है, जिससे सारे गायब हुए लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन उसी पल थैनोस की पूरी आर्मी पास्ट से फ्यूचर में आ जाती है। थैनोस उनसे कहता है कि मैंने आधी पॉपुलेशन को इसीलिए खत्म किया था ताकि बचे हुए लोग बेहतर जिंदगी जी पाए, लेकिन तुमने वापस से सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। इस बार मैं इन्फिनिटी स्टोन की हेल्प से पूरे यूनिवर्स के लोगों को ही खत्म कर दूंगा। जिस पर कैप्टन कहते हैं कि अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, और इतना कहते ही कैप्टन थैनोस पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो सब थैनोस पर काफी अटैक्स करते हैं, लेकिन थैनोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से ये सब यहाँ हारते हुए नजर आ रहे होते हैं। थैनोस उसके हैमर से थोर को मारने वाला होता है। तभी कैप्टन अमेरिका थैनोस को थोर के हैमर से उस पर अटैक कर देते हैं और उसी पल वहाँ पर सारे लोग वापस आ जाते हैं, जो कि थैनोस की चुटकी बजाने से गायब हो गए थे। वो सब लोग थैनोस की आर्मी पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर वो गाउंटलेट पास्ट वाली नेब्यूला के पास होता है, लेकिन तभी वहाँ गमोरा और नेब्यूला आ जाती हैं और वो उसे मार देती हैं। इधर वो गाउंटलेट हॉकाई से पीटर ले लेता है और वो उसे थैनोस के लोगों से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वही पर वांडा आ जाती है, जो कि थैनोस से कहती हैं कि तुमने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया, और इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देती हैं। ये देखकर थैनोस की आर्मी उस स्पेसशिप से उन लोगों पर अटैक कर देती हैं। तभी वहां कैप्टन मार्वल आ जाती हैं, जो कि उस स्पेसशिप को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं, और बाद में वो उस गाउंटलेट को ले लेती हैं। थैनोस कैरल डैनोवर्स पर अटैक कर देता है, लेकिन कैप्टन मार्वल बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से थैनोस पावर स्टोन से उस पर अटैक कर देता है। और अब वो टाइम आ जाता है जब थैनोस उस गाउंटलेट को पहन लेता है
उसी पल डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी स्टार्क को एक इशारा देते हैं कि यही वो पल है जब थैनोस हारेगा। टोनी स्टार्क उस गाउंटलेट से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने गाउंटलेट में लगा लेता है और बाद में वो चुटकी बजा देता है जिससे थैनोस और उसकी पूरी आर्मी धूल बन जाती हैं। टोनी स्टार्क की गाउंटलेट की वजह से उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। बाद में टोनी स्टार्क का फ्यूनरल किया जाता है और बाद में थोर एडियंस के साथ स्पेस में चला जाता है। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव थोर के हैमर और बाकी स्टोन्स को वहीं पर रख देते हैं जहां से उन्होंने उसे लिया था और बाद में बूढ़े होने के बाद वो वापस से उसी टाइम में आ जाते हैं जहां वो सैम विल्सन को अपनी शील्ड दे देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।